गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 8th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है अपना 6। दिस इज जोडीज फैन, दिस इज जोडीज फैन, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील, क्या मैं मील व्हील के साथ वापस सवारी कर सकता हूँ। एंड सी, और देख सकता हूँ। इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, क्या मैं व्हील मिल के साथ वापस सवारी करके देख सकता हूँ। इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ, अपनी माँ से कहो, अपनी माँ को बताओ। आई सेड, मैंने कहा। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, यानी वह टेबल के पास चला गया एंड वह टेबल पर जाकर एंड सेट डाउन, वह टेबल पर जाकर के बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग, हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरी वन, उसकी माँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए कॉफी डाल रही थी। ही सेड, उसने कहा, माँ पा, उसने कहा, माँ पिताजी कहते हैं, आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, यानी मुझे जाना चाहिए, मुझे फोन को वापस लेकर, मैं फोन को वापस लेकर आ सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, यानी वह मिड एयर में कॉफ़ी के बर्तन को पकड़े हुए थी, उसने मिड एयर में कॉफ़ी के बर्तन को रखा। वाट फोन, क्या फोन। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, यानी फोन डो के साथ था, वी किल्ड जो हमने मारा था। वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन, हम जहर को बाहर निकालने के लिए जिगर का उपयोग करते हैं। एंड सेव पा, और पिताजी को बचाते हैं। सी गेस्प्ड, वह हाँपते हुए कहती है। वेल, ठीक है। फॉर पिटी सेक, दया के लिए, ठीक है। पा सेज, पिताजी कहते हैं, इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, यानी पिताजी कहते हैं, इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, यानी भूखों मरने के लिए उसे छोड़ना कृतघ्न होगा। डॉक्टर विल्सन ने कहा है, दैट इज राइट, वह सही है। दैट इज राइट मैडम, ये सही है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, संसार में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती है, संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुफ्त में मिलती हो, फ्री में मिलती हो। The boy is right. लड़का सही है। And his daddy is right. और उसके पिता भी सही है। Millville कहता है, He can ride back with me. वह मेरे साथ वापस सवारी कर सकता है। I shall help him find it. इसे ढूंढने में मैं उसकी मदद करूँगा। सी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, बेबस होकर वह कॉफ़ी का बर्तन रखता है। वेल, ठीक है। इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, यदि तुम इसे अपना दूध पिलाओगे, वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, इसे खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मिल विल ने कहा, कम ऑन, चलो लड़के, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, चलो हम सवारी करते हैं। माँ बेक्सचर पूछती है एंग्सियसली, यानी जिज्ञासु होकर। माँ बेक्सचर जिज्ञासा से पूछती है, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम अधिक दूर नहीं जाओगे। जोडी सेठ, जोडी ने कहा,
आई शैल बी बेक बिफोर डिनर फॉर श्योर, यानी मैं निश्चित रूप से ही रात के भोजन के पहले वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल अपने घोड़े पर चढ़ता है। एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम, और जोड़ी को अपने पीछे ऊपर खींचता है। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो, द फोन्स स्टिल देयर, कि फ़ोन अभी भी वहीं है। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या उसका पता लगाने में तुम मेरी मदद करोगे। वी शैल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, यदि वह जीवित है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो, तुम यह कैसे जानते हो, इट इज ही कि वह जीवित है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन, यानी ये पूरे एक पंक्ति में जो स्पोर्ट्स हैं उन्हें डो फोन पासेज, डो और फोन में जो स्पोर्ट्स लाइन में स्पोर्ट्स हैं पासेज। पिताजी कहते हैं द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, यानी प्रत्येक रास्ते के अंदर स्पोर्ट्स होते हैं। इसके आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं कंप्रेंशन चेक के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वेश्चन करने हैं। कल सेकंड पार्ट से लेगा, पार्ट की ट्रांसलेशन करनी है आपको।